अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। हालांकि देखा जाए तो जो मंदिर का निर्माण है वो तेजी के साथ जारी है। मंदिर को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए वो हर उपाय किए जा रहे हैं जो उपाय हो सकते हैं। अगर मौजूदा समय की बात करें तो भूतल का काम कंप्लीट हो चुका है, जो प्रथम तल का काम है वो तेजी के साथ जारी है। और साथ ही में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये सामने आई है कि मंदिर को सुरक्षित बनाने के लिए, गंदगी से बचाने के लिए और साथ में तेल के दाग धब्बों से बचाने के लिए मंदिर की दीवारों और फर्श पर एक खास रसायन का लेप भी शुरू हो चुका है। अगर देखा जाए तो मंदिर का जो सबसे आगे का हिस्सा है, चूंकि वो सिंह द्वार है, उसके बाद रंग मंडप, नृत्य मंडप, ये तमाम जो मंडप हैं, गर्भगृह है, तो वैसे में आमतौर पर देखा जाता है कि जो पूजा स्थल होते हैं, जो मंदिर होते हैं, उसमें तेल गिरने की वजह से दाग धब्बे लग जाते हैं। वैसे में दाग धब्बों से बचाने के लिए मंदिर के अंदर, मंदिर की दीवारों पर और ख़ासतौर पर जो मंदिर का भूतल है वहाँ पर खास तरह के रसायन का लेप शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस महीने के आखिर तक या फिर 15 जनवरी तक जो रसायन का खास लेप है उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। और खास तौर पर अगर हम जन्मभूमि परिसर के आसपास के निर्माण कार्यों की बात करें तो जो निर्माण कार्य हैं वो भी तेजी के साथ जारी हैं। चूंकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में तमाम निर्माण कार्यों को पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है। देखा जाए तो जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, चूँकि ये श्रीराम कॉरिडोर यानी कि जन्मभूमि पथ है, चूँकि यहाँ का भी जो निर्माण कार्य है, हालांकि अभी कह सकते हैं कि जो सजावट का काम है वो शुरू हो चुका है और जो प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं, प्रवेश द्वार लगभग पूरा हो चुका है। और साथ ही में जो सीवर, जो सीवरेज का काम था उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। साथ में अगर हम कैनोपी की बात करें तो कैनोपी का काम भी लगभग पूरा कर लिया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो जन्मभूमि पथ है, चूँकि इसको भी पूरा करने का जो टारगेट था वो 30 दिसंबर तक था, लेकिन माना जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त और भी इसमें लग सकता है, क्योंकि काफ़ी लंबा ये कॉरिडोर है। तकरीबन 700 मीटर लंबा ये जन्मभूमि पथ है, लेकिन इस बात की पूरी उम्मीद है कि महीने के आखिर तक या फिर 15 जनवरी तक कॉरिडोर का काम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सेपुलेशन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या।